हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। बिहार की सत्ता में तेजस्वी यादव की एंट्री हो चुकी है। जी हां, डिप्टी सीएम बन चुके हैं तेजस्वी यादव, लेकिन एक बार फिर से तेजस्वी यादव शक के दायरे में आ गए हैं। जी हां, यहां पर देखा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी लगातार तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े कर रही है। आखिर तेजस्वी यादव सीएम क्यों नहीं बने, इसे लेकर भी अब सुशील कुमार मोदी ने पलटवार किया है। सुशील कुमार मोदी का कहना है कि भ्रष्टाचार के आरोप में तेजस्वी यादव आज बेल पर है और इसी वजह से उनके हाथ सीएम कुर्सी नहीं आई है। लेकिन देखा जा रहा है कि इससे पहले भी तेजस्वी यादव के संपत्ति को लेकर कई बार सवाल उठा चुके हैं सुशील कुमार मोदी। यहां पर आपको बता दें कि करोड़ों के मालिक है तेजस्वी यादव और इस करोड़ों की संपत्ति पर कई बार बीजेपी ने सवाल उठाया है और ये सवाल है कि आखिर बिना किसी नौकरी के, बिना सत्ता में रहे, इतनी करोड़ की संपत्ति कैसे जुटाई तेजस्वी यादव ने। चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं आखिर तेजस्वी यादव के पास कितनी संपत्ति है और उनके आय का आखिर जरिया क्या है। देखिए रिपोर्ट। चुनावी हलफनामे के अनुसार 2015 में तेजस्वी यादव की संपत्ति 2.13 करोड़ रुपए की थी। वहीं 2020 में यह बढ़कर 5.88 करोड़ रुपए की हो गई, यानी कि 5 सालों में उनकी संपत्ति 3.5 करोड़ रुपए के करीब बढ़ी। वहीं 31 मार्च 2020 तक तेजस्वी यादव के पास 1,20,000 रुपए नगद भी थे। वहीं 3 लाख के करीब रिटर्न फाइल करते हैं तेजस्वी यादव। जी हां, अगर इनकम टैक्स की बात की जाए तो 3 लाख के करीब तेजस्वी यादव हर साल टैक्स पे करते हैं, लेकिन साल 2019-20 में ये टैक्स घट गई और ये घटकर 2,79,000 के आसपास आ गई, यानी कि तेजस्वी यादव की कमाई इस दौरान घटी थी। वहीं आपको बता दें कि करीब 6 करोड़ रुपए के मालिक तेजस्वी यादव के पास एक भी कार नहीं है, जबकि उनके भाई तेज प्रताप यादव के पास BMW और 15 लाख की बाइक भी है, लेकिन तेजस्वी आज भी गाड़ी विहीन है। इसके साथ ही उनके ऊपर 11 केस भी है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी जैसे केस है। और आपको बता दें कि इन्हीं सभी चीजों को लेकर सुशील कुमार मोदी कई बार तेजस्वी यादव की संपत्ति पर सवाल भी उठाते हैं। सुशील कुमार मोदी ने पिछले साल ही तेजस्वी यादव को घेरे में लेते हुए कहा था कि तेजस्वी यादव बताएं कि बिना नौकरी बिजनेस के करोड़ों की संपत्ति के मालिक वो कैसे बने। और देखा जा रहा है कि करोड़ों के मालिक तेजस्वी यादव की संपत्ति पर अब सवाल फिर से एक बार खड़े होने लगे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि तेजस्वी यादव जो है करोड़ों के मालिक है और बार बार बीजेपी इसी बात को लेकर सवाल भी उठाती है, लेकिन देखा जा रहा है कि बीजेपी की सत्ता से बिहार की सत्ता से एग्जिट हो चुकी है और ऐसे में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन चुके हैं और अब महागठबंधन की सरकार चल रही है बिहार में और अब इस करारी हार के बाद बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई नजर भी आ रही है। आज के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।